एसबीएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गर्लफ्रेंड से रिश्ता बनाने पर दोस्त की हत्या। एलआईसी एजेंट ने अपने ही रिश्तेदार के साथ की धोखाधड़ी। महाराष्ट्र में बढ़ रहे डेल्टा के 85% मामले। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कपिल नगर थाना अंतर्गत महाड़ा कॉलोनी परिसर में मंगलवार की रात हुई अमनदीप सिंह राजपूत की हत्या के मामले में आरोपी संयम उर्फ श्रमिक बागड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने के बाद उसने सनसनीखेज खुलासा किया। संयम ने पुलिस को बताया कि करीबी मित्र होने के बावजूद अमनदीप ने उसकी गर्लफ्रेंड से संबंध बना लिए, इसी वजह से उसने अमनदीप को मारा। अमनदीप और संयम के बीच अच्छी दोस्ती थी, दोनों साथ रहते और घूमते थे। अमनदीप कंडक्टरी करता था जबकि संयम बेरोजगार था। करीबी दोस्त होने के कारण अमनदीप का संयम के घर आना जाना था। संयम का एक युवती के साथ प्रेम संबंध था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अमनदीप से मिलवाया था। कुछ समय पहले संयम और उसकी गर्लफ्रेंड का विवाद हो गया, दोनों की बातचीत बंद हो गई थी। संयम ने इस बारे में अमनदीप को बताया था तो उसने दोनों के बीच सुलह करवाने का आश्वासन दिया। उसने संयम की गर्लफ्रेंड से संपर्क किया, गर्लफ्रेंड ने अमनदीप को संयम की हरकतों के बारे में बताया। दूसरी खबर, एलआईसी एजेंट का काम करने वाले व्यक्ति ने अपने रिश्तेदार को झांसा देकर 26 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने भवानी नगर निवासी किशोर जीतराम ठौले की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी हसनबाग निवासी विनोद रामचंद्र हिवरकर बताया गया है। विनोद एलआईसी एजेंट है, उसने किशोर की पॉलिसी बनाई, इसके लिए 60,000 रुपए लिए लेकिन खाते में जमा नहीं किया। विनोद भीसी भी चलाता था। किशोर के नाम पर निकली 6,14,000 रुपए की भीसी के पैसे भी उसने पचा लिए। किशोर को झांसे में लेकर उसके नाम पर बैंक से 15 लाख रुपए का कर्ज लिया लेकिन बैंक को रकम नहीं लौटाई। लगातार किशोर के साथ दगाबाजी कर रहा था। किशोर ने उससे अपनी रकम वापस मांगी तो विवाद करने लगा। किशोर ने पारडी पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तीसरी खबर, महाराष्ट्र से अब तक करीब 12,000 सैंपल की जोनोमा सिक्वेंसिंग हुई है। इस साल फरवरी से जुलाई तक भेजे गए इन सैंपल में से 85% मामले डेल्टा वेरिएंट के मामले हैं। वहीं राज्य में डेल्टा प्लस के मामले 63 दिनों में 390% बढ़े हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात, देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ, हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात, आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात, मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे।